नमस्कार, वेलकम बैक। मैं मदन मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि आप SSD हार्ड डिस्क को घर में कैसे बना सकते हैं। इसमें मतलब आपको कुछ R&D नहीं करनी है, मतलब कुछ बनाना नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, एक माइक्रो SD टू SATA SSD कन्वर्टर कार्ड आपको मिलेगा जो आपको परचेज करना है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ। तो वहाँ से आपको कार्ड परचेज करना है। उसमें नॉर्मली आपको जैसे ऐसे मेमोरी कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं, जो मेमोरी कार्ड है उसको आपको उसमें इंसर्ट कर देना है। आप कोशिश करें कि फास्ट मेमोरी कार्ड मतलब क्लास 10 के यूज़ करें, 6 GB के मेमोरी कार्ड आप उसमें यूज़ करने हैं। जैसे मान लीजिए 32 तो 32, 64 तो 64, सारे ही 64 आपको परचेज करने हैं। इसमें 10 मेमोरी कार्ड लग सकते हैं, 10 के 10 आपको सेम स्पीड के सेम मेमोरी कार्ड परचेज करने हैं, बस आपकी हार्ड डिस्क रेडी हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ नहीं करना, फिर आप उसे नॉर्मली अपने लैपटॉप में या अपने PC में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका ये नॉर्मल सा मेमोरी कार्ड एक SSD हार्ड डिस्क कैसे बन जाता है जब 10 घंटे लगते हैं, इसका क्या तरीका है और किस तरीके से ये मतलब इतनी फास्ट स्पीड कैसे देता है। तो इसमें होता यह है कि मान लीजिए थोड़ा सा समझना, इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टोरेज कैसे काम करते हैं और कैसे ये कार्ड 10 मेमोरी कार्ड मिलके एक SSD जैसी स्पीड पैदा कर देते हैं, मतलब SSD जैसी स्पीड इसमें जनरेट हो जाती है, ऐसा क्या होता है। तो थोड़ा समझ लो, जैसे मान लो ये मेमोरी कार्ड है, इसमें 10 MBPS इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। अब हम कोई मान लीजिए 100 MB का डाटा है तो वो 10 MB करके इसमें करेंगे तो पहले 10 MBPS स्पीड आएगी, लेकिन अगर हम ऐसे 10 मेमोरी कार्ड लगा दें और 100 MBPS का डाटा उन 10ों में 10 MBPS की स्पीड से करें तो स्पीड 100 MB हो जाएगी। यही तरीका है इसका। इसमें सीरीज में कार्ड लगाए हुए हैं, इसमें कनेक्शन हो रखे हैं, उसको एक SATA हार्ड डिस्क से आप इसको कनेक्ट मतलब SATA कनेक्टर इस पर लगता है, SATA नॉर्मल हार्ड डिस्क हो जाती है, उसके बाद हार्ड डिस्क बन जाता है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आप अपने नॉर्मल हार्ड डिस्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक रेड का ड्राइवर डाल के उनको स्ट्रिपिंग में लगा के, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप IT एक्सपर्ट हैं तो उसको नॉर्मली आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इसके एडवांटेज की बात करें तो उसका एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ही सस्ते बजट में आपको हार्ड डिस्क मिल जाती है। मतलब एक SSD हार्ड डिस्क लेने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इस कार्ड की मदद से आप उसे बना सकते हैं खुद से और पूरा आपके कंट्रोल में है। जैसे कि आप उसका GB बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले 10-10 या 32-32 GB के मेमोरी कार्ड लगाए, फिर आप 64-64 के लगा लीजिए। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कार्ड ख़राब हो जाता है, तो मान लीजिए आपका कनेक्टर जो है ये 10 कार्ड जिसमें लगते हैं मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि मेमोरी कार्ड रीडर के जरिए या फिर मोबाइलों में आप मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिसाइकल है मेमोरी कार्ड। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो वो क्या है, वो डिसएडवांटेज इसका है कि अगर आपका एक भी मेमोरी कार्ड खराब हो गया तो आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा सीरीज में कॉपी होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डाटा 10 के 10 मेमोरी कार्डों में कॉपी हो जाता होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका एक भी मेमोरी कार्ड अगर आपका खराब होता है तो उस कंडीशन में आपका पूरा डाटा खत्म हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। और बहुत ही सस्ता बढ़िया बेस्ट ये जो है जुगाड़ है इसमें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।